अपने एक्शन को भी खराब किया हुआ है। पहले इस तरह नहीं करते थे बॉलिंग को, अब तो इट इज हिट स्ट्रेट ऑन हिज फेस। मेरा ख्याल है मिस किया है उमर ने और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए लगते हैं उमर गुल। बहुत जोरदार शॉट थी, शायद उनके हाथों में से बॉल स्लिप कर गया है। फिजियो को फौरन पहुंचना चाहिए, फिजियो मौजूद हैं ये। अच्छा, इनके साथ ही हैं। ठीक ठीक, फिर तो ठीक है ना। मैंने कहा नॉन, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये 24 आवर्स के लिए तो आइस का ज्यादा बेस्ट इस्तेमाल है। ये देखें, ये बॉल किया और ये देखा, जो बात मैं आपसे कल कर रहा था कि ये मैं इस तरह जो लोग भी कैच करते हैं, मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं उसे। ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है और क्रिकेट को तबाही के रास्ते के ऊपर लेके अगर जाना है तो बच्चों को आप ये तालीम दे के ऐसे कैच करें, क्योंकि इसमें सेंस नहीं है। आप ऐसे कैच करते हो तो जब ये अगर हाथ से निकलता है तो ये दोबारा चांस ही नहीं बनता कैच करने का। जो बेहतरीन तरीका था वो पुराना ही है कि आप बॉल को बॉडी की तरफ लेकर आए, दोनों हाथ हों और यहां से अगर बॉल इधर उधर गिरे तो फिर आप उसको दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस तरह मैंने देखा कि बहुत से कैचेस लोगों ने छोड़े और बहुत सारे इंजरीज इस तरह होने का चांस देते हो ना। ऐसे करने से क्या हुआ, ये अगर ये ऐसे पकड़ने की कोशिश करते तो फेस ही नहीं आना था, बॉडी की तरफ लेना था बॉल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहरहाल डिफरेंट फैशन, डिफरेंट थिंकिंग, और हम गोरों से वैसे भी बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। अब उमर गुल ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं, ब्लीडिंग अभी भी उनको हो रही है। आई होप के उनकी इंजरी जो है वो बहुत सीरियस नोयत की ना हो। फ्री हिट थी और पेस से बीट हुए खुरम, अब उमर गुल सॉरी, उनके हाथों में से बॉल निकलकर उनके नाक पे लगा और सारे ही प्लेयर्स, इवन सारी फील्डिंग साइड और इवन खुरम मंजूर जिन्होंने हिट किया, उन्होंने भी फौरन इस चीज का एहसास हुआ कि इंजर्ड हो गए। देखिए खुरम मंजूर के चेहरे पे अजीब सी वो, हाँ ऑफकोर्स राणा साहब, ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी भी इंसान को तकलीफ हो, इवन किसी जान